हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तू खाप देखते रह जा, तू खाप देखते रह जा, तू खाप देखते रह जा, हम ले जाएंगे। तू शक्ल देखते रह जा, तू शक्ल देखते रह जा, तू शक्ल देखते रह जा, हम ले जाएंगे। क्राउन क्रिकेट का मैडम जी हम ले जाएंगे, अरे क्राउन क्रिकेट का मैडम जी हम ले जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूँ गौरव कुमार पांडे। आज क्राउन क्रिकेट का मैं बात, कल जो बारिश से मैच धुल गया, आज जो मैच होने वाला है, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात शिखर धवन के बारे में जो करनी पड़ेगी कि शिखर धवन के टीम इंडिया से क्योंकि 3 हफ्तों के लिए वो बाहर हो गए हैं तो उसका क्या असर होगा। तो चलिए आगाज करते हैं क्राउन क्रिकेट का। तू शक्ल देखते रह जा, तू शक्ल देखते रह जा, तू शक्ल देखते रह जा, हम ले जाएंगे। क्राउन क्रिकेट का मैडम जी हम ले जाएंगे, अरे क्राउन क्रिकेट का मैडम जी हम ले जाएंगे। चलिए, तो यहाँ हमारे साथ कमल है, प्रदीप जी हैं और शैलेंद्र हैं यहाँ पे मौजूद। सबसे पहले बात करेंगे शिखर धवन, एक बुरी खबर टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, बहुत बुरी खबर है क्योंकि शिखर धवन इनफॉर्म बल्लेबाज से, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जो सवाल उठ रहे थे ओपनिंग को लेकर वो सवाल लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन अब सवाल तो खत्म हो गया था, सिरदर्दी वो शायद बढ़ा के चले गए हैं कप्तान कोहली की। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट और कप्तान शिखर धवन का रिप्लेसमेंट मंगाएंगे इंडिया से, या फिर जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको चूज करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। कौन हो सकता है रिप्लेसमेंट अगर मंगाने की बात? देखिए, अभी तक 3 नाम सामने आ रहा है शिखर धवन के जाने के बाद, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, ये 3 खिलाड़ी दौड़ में है। लेकिन अगर देखना होगा कि विराट कोहली क्या चाहते हैं, क्या वो एक अपनी 15 साथ में रखेंगे, या फिर जो बेंच स्ट्रेंथ है दिनेश कार्तिक और विजय शंकर, इन्हें मौका मिलेगा। प्रदीप जी, बहुत बुरी खबर है, जो ओपनिंग पेयर हम कह रहे थे कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग पेयर इस वक्त जो वर्ल्ड कप में खेल रहा है उसमें से एक ओपनिंग पेयर ये है, और उसमें से गब्बर बाहर हो गए, झटका बड़ा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास जो बेस्ट ओपनिंग पेयर था वो हम भी लगभग उन गिनों में देशों में थे जो कि बेस्ट ओपनिंग पेयर लेके चल रहे थे। शिखर धवन बहुत अच्छा खेल रहे थे, पिछले मैच में सेंचुरी बनाई, बहुत अच्छे रन भी बनाए, लेकिन ये उनका निकल जाना टीम इंडिया के लिए तो बड़ी सिरदर्दी का बात है। कोहली यही चाहेंगे कि हमारे पास और भी ऑप्शन है, राहुल हो गए, उनको ट्राई करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत को बुलाया जाएगा या इसमें से के लिए आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि राहुल द्रविड़ वो इनकी जगह केएल राहुल शायद खेलेंगे। ठीक है, क्या होगा, क्या करना चाहिए कि एक प्लेयर का और ऑप्शन अगर आपके पास है तो प्लेयर मंगा लेना चाहिए, भले खिलाएं ना खिलाएं वो बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर बेंच स्ट्रेंथ में से ही किसी को चांस दें? देखिए, दोनों ही ऑप्शन ओपन है, ये तो टीम इंडिया पे डिपेंड करता है, उनके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या होगा। हालांकि वो जरूर चाहेंगे कि एक प्लेयर हम इंडिया से ही मंगा लें, और यहाँ विजय शंकर को इन करके वो हो सकता है केएल राहुल को प्रमोट करेंगे ओपनिंग के लिए। केएल राहुल पहले भी ओपनिंग कर चुके हैं इंडिया के लिए, घरेलू मैदानों में अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है उनका, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम आएगा, केएल राहुल का प्रमोशन हो सकता है ओपनिंग के लिए। थोड़ा सा ये दिक्कत है कि लेफ्टी राइटी की जो हमारे यहाँ दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों का जो कॉम्बिनेशन चल रहा था बहुत अच्छा, थोड़ा सा उसको झटका लगा है। अब राहुल अगर आते हैं तो दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, फिलहाल राहुल से हम बिल्कुल सर थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब स्ट्राइक रोटेशन होता है तो गेंदबाजों के लिए परेशानी होती ही है, साफ तौर पर हमने देखा है। स्टार्क को परेशानी हुई थी, कमिंस को हुई थी, वो पिछले मैच में हमने देखा। राहुल हालांकि एक्सपीरियंस रहा है उनको ओपनिंग का, हम उनसे पूरी उम्मीद करेंगे कि अगर उनको प्रमोशन मिलता है तो वो लाजमी अच्छा परफॉर्म करें। विजय शंकर के लिए एक मौका हो जाएगा अब टीम में अंदर आने का, क्योंकि विजय शंकर कहीं ना कहीं दो फायदे लेके आएंगे। अगर हम इवन ऋषभ पंत या कार्तिक दोनों में से किसी एक को लेके आते तो वो सिर्फ या तो कीपिंग फील्डिंग कर सकते हैं, पर अगर हम शंकर को लेके आते हैं तो हमारे पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी बढ़ जाएगा। शंकर मीडियम पेसर भी हैं, आज बॉलिंग ठीक ठाक कर ही लेते हैं, तो बीच के स्पेल्स निकालने में अगर कभी पांड्या
बदकिस्मत साबित हुए भारत के लिए, तो उस समय हम शंकर को यूज कर सकते, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शंकर एक रिप्लेसमेंट होंगे, उनको टीम में इन किया जाएगा। पिंच हिटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की बात है, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, आपको क्या लग रहा था कि ऋषभ पंत को ओपनिंग में मौका मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऋषभ पंत अगर आते भी हैं तो मुझे लगता नहीं कि प्लेइंग 11 का वो हिस्सा बनेंगे, क्योंकि बैच स्ट्रेंथ हमारी बहुत स्ट्रांग है। अगर ऋषभ पंत को मौका मिलता तो शायद वो दिनेश कार्तिक से पहले उनका नाम आता, लेकिन अब सिरदर्दी जरूर विराट कोहली के लिए, क्योंकि अपोजिशन, लेकिन कुछ बड़े प्लेयर्स, पूर्व प्लेयर्स जो हैं वो क्रिकेटर्स, वो कह चुके हैं कि ऋषभ पंत को ओपनिंग में ट्राई किया जा सकता था। आप याद करिए, जब टीम सिलेक्शन नहीं हुआ तो उससे पहले शायद सुनील गावस्कर ने कहा था किया जा सकता था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़े टूर्नामेंट में जाके, इंग्लैंड में इतने बड़े टूर्नामेंट में जाके इस तरीके का रिस्क विराट कोहली लेंगे, खासकर जब आपके पास राहुल और कार्तिक के रूप में दो ओपनर्स हों। हालांकि कार्तिक का चांस लग नहीं रहा ओपनिंग का, राहुल पहली चॉइस होंगे अब धवन के जाने के बाद। ठीक है, अब अगर केएल राहुल को मौका मिलता है, उससे पहले एक बात ये बताइए कि क्या कम से कम प्लेयर तो मंगा ही लेना चाहिए, ठीक है आप प्लेइंग 11 में उसको मौका दे या ना दे, लेकिन आपके पास अगर चांस है तो आप एक खिलाड़ी शॉर्ट क्यों खेले, एक हम मंगवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मंगाने चाहिए, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम कई खिलाड़ी जरूर मंगा सकते हैं, हम इनके तरफ भी देख सकते हैं, हम इनको बुला सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो हमारे पास टीम हमारे पास खेल रही है, जो हमारा मैनेजर बैठा हुआ है, मेरे हिसाब से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो इसमें एडजस्ट कर लेंगे। और धवन भी नहीं है, 3 हफ्ते के लिए बाहर हुए हैं, वापस भी आएंगे, देखा जाएगा। ऐसे मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को आते हैं तो बहुत अच्छा है ये टीम इंडिया के लिए। ऋषभ पंत को आप ओपनिंग करते देख रहे हैं? नहीं, ओपनिंग हमारा ऐसा रूप से एकदम स्थगित, अगर ये शिखर धवन बाहर हो चुके हैं तो फिर ये राहुल के साथ ही ओपनिंग करवाएंगे। केएल राहुल के साथ ओपनिंग कराएंगे, तो आप फिर केएल राहुल को अगर ओपनिंग में डालते हैं तो धोनी चौथे नंबर पे होंगे या शंकर? वही डिपेंड करता है कि टीम इंडिया की ओपनिंग कैसी होती है। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में हमने एक चेंज देखा भारत की तरफ से, धोनी से पहले पांड्या को प्रेफरेंस दी गई, पांड्या को चौथे पे भेजा गया, क्योंकि एक मोमेंटम बन गया था इंडिया का अच्छा, और उस समय हमें रन की जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि अगर ओपनिंग चल गई, पेयर केएल राहुल परफॉर्म कर गए, तो हो सकता है विजय शंकर को भेजा जाएगा, नहीं तो अगर हमें एंड ओवर्स में विकेट गिरे, हमारे 40 या 35 के बीच में गिरते हैं, तब लाजमी है कि धोनी ही आएंगे, क्योंकि उस समय हमें रन की खास जरूरत होगी एंड के 10 ओवर्स में। तो कहीं धोनी का चांस ज्यादा है कंपेयर टू विजय शंकर। विजय शंकर को हो सकता है कि कभी अगर हमारे विकेट्स जल्दी गिर गए तो हो सकता है उनको चौथे पे भेजा जाए कि थोड़ा वो पारी को संभालें। हाँ, फिनिशिंग की बात आएगी तो धोनी के अलावा फिलहाल इंडिया में तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन पिंच हिटर के तौर पर एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, विजय शंकर को हमने देखा है कि वो लंबे लंबे शॉट्स लगा सकते हैं। नहीं, लंबे शॉट कभी एक्सेलरेट करने की जरूरत पड़ी तो, लंबे शॉट लगाने में अगर हम देखा जाए तो हमारे पास विजय शंकर से भी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। हम ट्राई करें तो हम दिनेश कार्तिक को भी खिला सकते हैं, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि दिनेश कार्तिक के साथ ये प्रॉब्लम है कि आप उन्हें सिर्फ कीपिंग करवाएंगे और धोनी के अलावा तो हमारे को दूसरा का ऑप्शन है ही नहीं, और आप ज्यादा उनसे फील्डिंग करवाएंगे। लेकिन अगर आप विजय शंकर को खिलाते हैं तो आप रन तो अच्छे बनाएंगे, साथ में आपको ऐसे एक बॉलर मिल जाएगा, साथ में उनकी फील्डिंग भी ठीक ठाक है, तो पिंच हिटर के हिसाब से तो नहीं, लेकिन हाँ, एक अच्छे ऑलराउंडर के हिसाब से मैं उनको टीम में देखता हूँ। चलिए, तो मतलब गब्बर के बाहर होने से फायदा मिल सकता है विजय शंकर बिल्कुल विजय शंकर को मिल सकता है, क्योंकि उनके साथ बेनिफिट है, जैसे इन लोगों ने कहा कि वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, अगर किसी दिन हार्दिक पांड्या का दिन अच्छा नहीं होता है तो विजय शंकर में काबिलियत है कि वो 5 से 6 ओवर का एक स्पेल कप्तान को निकाल के दे सकते हैं और रन पे कम से कम रोक लगा सकते हैं अपोजिशन की टीम के लिए। ठीक है, कल के मैच पर आते हैं, कल का मैच बारिश से धुल गया, सबसे ज्यादा निराश साउथ अफ्रीका? मुझे लगता है उससे ज्यादा निराश तो वेस्ट इंडीज हो गए, क्योंकि उनके पास अच्छा मौका था, अफ्रीकन टीम कमजोर पड़ रही थी, 27 पे 2 विकेट गिर गए थे, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज चले गए थे इनके, तो वेस्ट इंडीज को थोड़ी सी नाराजगी, मतलब 19-20 का फर्क होगा। साउथ अफ्रीका के लिए हाँ, एक मौका था कल के मैच में, वो चाहते तो वापसी कर सकते थे। अब जहां तक है, अब उनके लिए जो दरवाजे पूरे तो नहीं बंद हुए पर फिर भी बंद हो चुके हैं इस विश्व कप में आगे, अब अगर वो बाकी के 4 से 5 मैचों में अच्छा परफॉर्म करते भी हैं तो उन्हें पूरे लीग के दूसरी टीमों के रिजल्ट्स पे भी बहुत ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा। और गौरव, मैं आपको बता दूं, आज के मैच में भी ब्रिस्टल में पानी अभी भी बरस रहा है और अभी तक टॉस हुआ नहीं है। तो आज के मैच पर आएंगे, कल के मैच के धुल जाने का सबसे बड़ा नुकसान किसको? वेस्ट इंडीज को।
अफ्रीका 3 मैच पहले हार चुका है, कल उनके पास मौका था, जैसे उन्होंने बताया कि लगभग भारी हो चुकी है, तो बस वही बात है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी राउंड रॉबिन है इस बार, तो अभी चांसेस उनके पूरे भरपूर। अफ्रीका के पास अभी 5 मैच हैं और 5 मैचों में उन्हें कम से कम 5 मैच जीतने ही पड़ेंगे, जो कि सामने वाली टीम भी नहीं चाहेगी कि अफ्रीका ऐसी टीम को ये दिया जाए। अफ्रीका को हम छोटी टीम भी नहीं समझ सकते, बहुत अच्छी टीम है, वेल बैलेंस टीम है, लेकिन हार का प्रेशर और साथ में ये एक पॉइंट गवा देना, इससे उनको बहुत फर्क पड़ेगा। और साथ में जो और टीमें आएंगी वो भी चाहेंगी कि अफ्रीका को पूरा दबाव डलाया जाए, जो कि दबाव में वो खेल भी रही हैं, तो वही वाली बात है कि पूरा हाथी निकल गया है, पूछ बाकी रह गई है अफ्रीका के साथ। ठीक है, लेकिन अफ्रीका के दृष्टिकोण से देखें तो एक चीज ये भी है कि 2 विकेट उनके जल्दी से आउट हो गए थे, 3 मैच वो हार चुके हैं पहले, लेकिन इन सब के बीच उनको अपना ओपनिंग अंक तो मिल गया। बिल्कुल, ये राहत जरूर होगी कि खाता तो खुला, बिना खेले खाता खुल गए, वो इससे अच्छी और क्या चाहेंगे फैफ डुप्लेस। लेकिन झटका जरूर है दोनों ही टीमों के लिए, खासकर वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि 2 अंक वो पहले हासिल कर चुके हैं एक मैच जीत के, तो उनके पास मौका था आगे बढ़ने का। साउथ अफ्रीका अगर जीतता भी तो वो नीचे ही रहता, लेकिन वो उम्मीदें, अब मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका के लिए ज़्यादा कुछ बचा है। अगर वो 5 मैच जीत भी है तो अब दूसरी टीमों पर निर्भर रहेगी वो, क्योंकि स्ट्राइक रेट अब महत्वपूर्ण होगा साउथ अफ्रीका के लिए कम से कम। ठीक है, आज के मैच का आप कुछ अपडेट दे रहे थे बारिश जी, आज के मैच में भी अभी ताज़ा जानकारी यही है कि ब्रिस्टल में पानी बरस रहा है, तो कहीं ना कहीं पिछला मैच भी श्रीलंका का बारिश की वजह से धुल गया, उनके उनको वापसी का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भी वो चाह रहे थे कि हम शायद वापसी कर पाएंगे, लेकिन अब आज बांग्लादेश जैसा मैच था उनका, जहां वो टक्कर दे सकते थे, एक मौका था कि वो अच्छा खासा वापसी कर सकते थे, पर अभी भी कहीं आज का मैच भी श्रीलंका के लिए बदकिस्मत ना साबित हो जाए और सिर्फ एक अंक से ही उनको संतोष करना पड़े। श्रीलंका के लिए बदकिस्मती होगी या बांग्लादेश के लिए? बांग्लादेश अपने चांसेस फैंसी कर रहा होगा कि श्रीलंका को तो हम हरा सकते हैं। देखिए, दोनों टीमें बना रही होंगी, आप इस सदन पे नहीं कह सकते कि श्रीलंका आगे है या बांग्लादेश आगे है। देखा जाए, कागज में देखा जाए तो बांग्लादेश उनसे स्ट्रॉन्ग टीम है और अभी वेल बैलेंस भी, और शुरू से बांग्लादेश डट के खेलती है, पूरी टीम इवेंट के साथ खेलती है, तो थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि बांग्लादेश के लिए दुख की बात होगी अगर ये मैच नहीं हुआ तो। लेकिन अभी बहुत टाइम है, अभी तो जी बिल्कुल, अभी तो बहुत, दोनों ही टीमों के पास 6-6 मैच है, आज के मैच के लिए भी अभी बहुत टाइम है। हाँ, अभी तो काफी टाइम है, पर जिस हिसाब से बारिश हो रही है, आप कल के मैच में भी देखिए, शुरुआत के 7 ओवर ही हुए थे जब बारिश हो गई, उसके बाद वो बारिश रुकी ही नहीं, और जब रुकी तो पिच सुखाने में 1 से 1.5 घंटे निकल गए, तो कहीं ना कहीं ये है कि मैच रुकने के बाद जो पिच सुखाने का टाइम भी जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं अंपायर से डिसीजन ले लेते हैं कि मैच को अबैंडन कर दिया जाए या रद्द कर दिया जाए। घाटा बांग्लादेश का थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि भले वो अपना पहला मैच बहुत अच्छी तरीके से जीते थे, दूसरे मैच में भी उन्होंने अच्छी वापसी की थी, शाकिब अल हसन ने शानदार शतक लगाया था, तो श्रीलंका की बल्लेबाजी को देखते हुए तो बिल्कुल उन्हें थोड़ी निराशा हो रही होगी कि हम कम से कम ये मैच तो बिल्कुल अच्छे अंतर से जीत सकते थे, और बारिश उनके इस सपने को कहीं ना कहीं लगता है कि तोड़ देगी। मैच अगर शुरू होता है तो श्रीलंका की गेंदबाजी ही उनका मजबूत पक्ष है जो बांग्लादेश का शिकार करने में उनके काम आएगी। जी बिल्कुल, बल्लेबाजी में भी कुछ है, ये हमने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उनके साथ देखा था। अफगानिस्तान ने शुरुआत बहुत अच्छी की, नुआन प्रदीप आए, आते उन्होंने 4 झटके दिए, अफगानिस्तान उसके पास संभल ही नहीं पाया, फिर मलिंगा आए एंड के लिए, मलिंगा कितने खतरनाक बॉडी हम सब जानते हैं, तो श्रीलंका अभी बॉलिंग पे ही अपना डिपेंड कर रही है, उनके पास नुआन प्रदीप एक अच्छे ऑप्शन है, मलिंगा को हम सब जानते हैं वो क्या कर सकते हैं और किस टाइप के बॉलर है। बैट्समैन उनके शुरू में 1-2 बैट्समैन हैं जो रंग पे आए, दिन हुआ तो रन बना सकते हैं, बस ये बांग्लादेश और बांग्लादेश की बॉलिंग के आगे तो उनको बहुत संभल के खेलना पड़ेगा, इसलिए वो सही कह रहे हैं कि बांग्लादेश का चांस ज़्यादा था, इनका थोड़ा कम था। ठीक है, अगर हम बांग्लादेशी बल्लेबाजों की बात कर ले तो क्या श्रीलंका के स्पेस अटैक को झेलने के लिए तैयार नजर आते हैं? उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो अब कह सकते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। बिल्कुल, बांग्लादेश की टीम अब वो टीम नहीं है जो आज से 4 साल पहले थी, अब वो टीम बहुत बदल चुकी है, शाकिब अल हसन सबसे सीनियर प्लेयर है और टीम को जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं, बीच में आके बल्लेबाजी की बात हो या गेंदबाजी की बात हो, जब जब टीम को ज़रूरत होती है वो पूरी तरीके से एक ऑलराउंडर के रूप में टीम की मदद करते हैं। बल्लेबाजी में तमीम इकबाल हाँ फ्लॉप साबित हुए हैं, लेकिन वो किस तरीके का अटैक वो कर सकते हैं ये सब जानते हैं, उन्होंने करके भी दिखाया है। ज़रूर बांग्लादेश निराश होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने 350 का टारगेट उन्हें मिला था, अगर मैं गलत ना हूं तो वहां पर भी उन्होंने 280 रन बना दिए थे, हालांकि टीम हार गई, लेकिन बाद में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने आपने 280 रन बना दिए हैं, तो साबित होता है कि आपकी बल्लेबाजी में दमखम तो है।
जी इंग्लैंड इंग्लैंड के खिलाफ था वो। हाँ बिल्कुल, बल्लेबाजी कहीं ना कहीं, लेकिन इंग्लैंड के भी अगर हम गेंदबाजी यूनिट की बात करें, उनके सामने बांग्लादेश अगर 280 बनाता है, इसका मतलब बल्लेबाजी में दम है। बिल्कुल, आप अगर जोफ्रा आर्चर के को देख रहे हैं और जो भी उनके तेज गेंदबाज है, वर्ल्ड क्लास टीम है इस बार इंग्लैंड की, और हम उसे इस समय तो हमारे पास ऐसा है कि हम भारत से भी ऊपर उनको कंपेयर किया जा रहा है कि इंग्लैंड अपनी सरजमी पर बहुत चांसेस है जीतने के। उसके सामने हाँ बांग्लादेश ने बहुत अच्छी टक्कर दिखाई, भले तमीम इकबाल जैसा कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि तमीम इकबाल भले फ्लॉप चल रहे हों, उनका शायद 16, 24 और 23 ऐसे स्कोर रहे हैं, 9 रन पिछले मैच में थे, तो अटैक बिल्कुल हम जानते हैं उनका, इंडिया के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, दूसरे देशों के खिलाफ भी खेले हैं। तो और श्रीलंका की गेंदबाजी अगर आप देखें तो नुवान प्रदीप और लसित मलिंगा के बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बॉलर है जो फिलहाल, अगर बांग्लादेश अटैक करना शुरू करता है, अगर वो मलिंगा को ही टारगेट करना शुरू कर दें, तो ऐसा कोई बॉलर नुवान प्रदीप को छोड़ के नहीं है कि जो उनके उस अटैक को रोक पाएगा। सौम्य सरकार की बल्लेबाजी हम सब जानते हैं, भले वो इंग्लैंड में अभी नहीं चले हों, सौम्य सरकार बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, वो भी अगर शुरू करते हैं अपना अटैक करना तो वो श्रीलंका के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। सरकार की कई हमने डिस्ट्रक्टिव पारियां देखी हैं। बिल्कुल, वो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेले हैं, बाकी और देशों के खिलाफ भी अच्छा खेले हैं, जैसे उन्होंने बताया कि उनके दोनों ओपनर वेल सेटेड हैं। तमीम इकबाल क्या कर सकते हैं ये हम सबको पता है, सौम्य सरकार क्या करते हैं ये भी हम सब जानते हैं, उनके पास उनकी विकेट गिर जाती है दुर्भाग्यपूर्ण से, उनके पास शकीबुल हसन है, पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई है, अच्छा खेल रहे हैं, उसके बाद उनके पास विकेट कीपर बैट्समैन मुशफिकुर रहमान, वो अच्छे फॉर्म में हैं और लगभग हर मैच में पारी को समझते हैं, उनको मैंने कभी किसी मैच में हड़बड़ाते हुए नहीं देखा, आराम से पारी शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे ले जाके मैच को एकदम एंड तक पहुंचाते हैं, उनमें ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर उनके जो कप्तान मुर्ताजा हैं वो भी आके रन बना सकते हैं, इसलिए बांग्लादेश की टीम बैटिंग लाइन में बहुत अच्छी है। गेंदबाजी में भी बांग्लादेश यूनिट ने बहुत अच्छे कारनामे किए हैं और उनके पास कैलिबर है, पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी टीम को रोकने में वो सक्षम है। बिल्कुल सक्षम है, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान और मुर्तजा जिस तरीके की तेज गेंदबाजी करते हैं, सामने वाली टीम को मादा रखते हैं कि वो आउट कर देंगे। हालांकि पिछला मुकाबला भुलाना चाहेंगे, वो 350 रन खा लिए उनके गेंदबाजों ने, लेकिन ये लाजमी था, ये वर्ल्ड कप बहुत हाई स्कोरिंग रहा है, इंडिया के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन बना दिए थे इतने मजबूत गेंदबाजी के सामने भी, पर मुझे लगता नहीं कि ये श्रीलंका की टीम बांग्लादेश के सामने ज्यादा कुछ कर पाती अगर मैच शुरू होता है तो। ठीक, श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त उनकी बल्लेबाजी ही है, और क्या उसको इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ कर सकते हैं या सिर्फ माइंडसेट उनको चेंज करने की जरूरत है, कि पोटेंशियल तो है लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अब तक परफॉर्म नहीं करने का एक प्रेशर है। बिल्कुल, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है श्रीलंका पर, भले ही वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करके आए हों, आप देखिए वेस्ट इंडीज़ क्वालिफायर्स को खेल के आई है और उनमें कितना बड़ा चेंज आया विश्व कप में। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने, हालांकि बदकिस्मत रही उनकी गेंदबाजी वहां पर, उनकी खुद की भी गलती थी कि उन्होंने 75 पे 5 विकेट गिराने के बाद 290 तक का स्कोर बनवा दिया ऑस्ट्रेलिया से, पर हमने अच्छी वापसी देखी है वेस्ट इंडीज़ की, जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने पूरी तरह से बिखेर के रख दिया था। श्रीलंका को अपनी बल्लेबाजी पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अफगानिस्तान का मैच एक लो स्कोरिंग मैच था, गेंदबाजों ने बचा लिया इन्हें वहां पर, अगर एक अच्छा खासा टारगेट इन्हें 280 या 290 का बांग्लादेश दे देती है तो मुझे लगता है कि अभी श्रीलंका की ऐसी बल्लेबाजी है ही नहीं कि वो 290 का स्कोर चेस करने की ताकत दिखा सके। उनके बहुत अच्छे बल्लेबाज थे, हमने जैसे 2011 और 15 के विश्व कप में देखा है, टीम बहुत अच्छी थी, उसके बाद से पिछले 5 सालों में जिस तरह से उनके दिलशान रिटायर हुए, संकारा रिटायर हुए, सारे के सारे जो अच्छे प्लेयर जब से चले गए हैं, बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं एक गैप सा आ गया है इनके। गेंदबाजी मलिंगा वापसी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मलिंगा अगले विश्व कप तक खेल पाएंगे। सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, पूरी श्रीलंकाई टीम अगर हम देखें तो एक वक्त पे श्रीलंकाई टीम का जलवा होता था और उनको हम प्रबल दावेदार मानते थे, चाहे आप कहीं खेल लो विश्व भर में वो प्रबल दावेदार होते थे, ऐसे खूंखार उनके प्लेयर्स रहे, चमिंडा वास गेंदबाजी में, मलिंगा जब अपने शबाब पर थे, लेकिन क्या वहां के क्रिकेट एसोसिएशन में आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, या वो ऐसे प्लेयर्स ढूंढ के निकाल के नहीं लेके आ पाए, या फिर इनमें पोटेंशियल है और हमको लगता है क्योंकि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया इसलिए हम उनको कम आंक रहे हैं? जी, इसमें मैं श्रीलंका बोर्ड में बोलूंगा, शायद वो खिलाड़ी को ढूंढ नहीं पाए,
जो उन्हें चाहिए थे या जिनको वो लेना नहीं चाहते हैं। श्रीलंका जैसे आपने बताया कि एक टाइम अपने सवाब पे थी, एक से एक महान खिलाड़ी थे उनके पास, संगकारा के रिटायरमेंट होने के बाद, जयवर्धने के, दिलशान, ये सब एक जाने माने नाम थे। इन्होंने जब से श्रीलंका के बोर्ड को छोड़ा या जब रिटायरमेंट हो गए, उन्होंने बहुत सेवा भी की, लेकिन उसके बाद बोर्ड ने शायद श्रीलंका के बोर्ड से उतना ध्यान नहीं दिया गया। उपुल थरंगा अभी टीम में हैं लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि उन्होंने दिलशान के साथ एक टाइम ओपनिंग की है, लेकिन वही वो देख नहीं पा रहे हैं कि किसको खिलाया जाए किसको नहीं खिलाया जाए, इसमें थोड़ा बैलमेंट उनके साथ नहीं हो पा रहा है। प्रेडिक्शन का टाइम है, श्रीलंका बांग्लादेश में से कौन जीत रहा है? जी मैं 70 बांग्लादेश को, 30 श्रीलंका को देना चाहूंगा। 60% बांग्लादेश और 40 श्रीलंका। मैं 100% आज बांग्लादेश के साथ जाऊंगा, बांग्लादेश बहुत मजबूत है, वो बिल्कुल श्रीलंका के सामने जीतेगी अगर मैच होता है तो। मैं 50% बांग्लादेश को दूंगा और 50% बारिश को दूंगा कि भाई दोनों ही जीत सकते हैं। अगर मैच हुआ तो बांग्लादेश के जीतने के चांसेस भरपूर हैं। श्रीलंका के लिए उनको कुछ करिश्माई पारियां खेलनी होगी श्रीलंका के बल्लेबाजों को, अगर वो चाहते हैं कि इस विश्व कप में वापसी हो तो। फिलहाल क्राउन क्रिकेट का मैं इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खाब देखते रह जा, ले जाएंगे। तू शक्ल देखते रह जा, तू शक्ल देखते रह जा, तू शक्ल देखते रह जा, ले जाएंगे। क्राउन क्रिकेट का मैडम जी हम ले जाएंगे, अरे क्राउन क्रिकेट का मैडम जी हम ले जाएंगे।